इतनी देर अगर गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा साहब, क्यों नहीं हम लोग इस बार में हिंदी में बोलने का यही कोशिश करेंगे, क्योंकि चीट फंड का समर्थन है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल से तो नहीं है, पूरे इंडिया से। और हम लोग ये मूवमेंट करने के बाद विकासन ने कहा, विश्वासिंदर ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो सिर्फ बंगाल में नहीं रहे पूरे इंडिया में हो, क्योंकि ये जो आदमी जिसका भी पैसा लूट गया है, जिसका भी पैसा खो गया है, वो बंगाली है या बिहारी है या राजस्थान से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का एक ही टारगेट होना चाहिए कि कैसे पैसा वापस मिलेगा। क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट का जिस ऑर्डर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जिस ऑर्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो वहां पर कहीं तो ऑर्डर पर लिखा नहीं है कि सिर्फ बंगाल का डिपोजिटर उनको भी पैसा मिलना चाहिए, जो उड़ीसा का डिपोजिटर है उसको भी पैसा मिलना चाहिए, जो राजस्थान का डिपोजिटर है उसका भी पैसा मिलना चाहिए, जो तमिलनाडु का डिपोजिटर उसको भी पैसा मिलना चाहिए। और हम लोग जो बात कर रहे हैं जस्टिस एस पी तालुकदार कमेटी से, जो भी दो तीन कंपनी का पैसा वापस हो रहा है उसमें अगर आप लोग कभी जाइएगा तो देख पाइएगा, बंगाल से नहीं, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, कहीं से भी आदमी के पैसे ले रहा है। तो हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग का तो कहने का मतलब है, आज बंगाल में एक स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल प्रोविजन चल रहा है और हाईकोर्ट में इतना पब्लिक डिसीजन हो रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं इसका जो बेनिफिट है पैन इंडिया में सबको मिलना चाहिए, सिर्फ बंगाल में इसको लिमिटेड नहीं करना है। इसलिए जो 4 तारीख का हम लोग का समावेश है, हम लोग आपके माध्यम से सबको अनुरोध यही करेंगे कि जो जहाँ पे है, जिसका जैसे बिना जैसे बोला था, कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है उसका, कोई अपना व्यक्तित्व जो अपना है आइडियोलॉजी उसमें नहीं है, अगर आपका पैसा गया हुआ, अगर आप प्रसन्न है, अगर आपको लगता है कि आपको पैसा नहीं मिला है और लगता है कि हम लोग जो रस्ते में उतर रहे वो सही है, तो 4 तारीख को हम लोग जरूर आएंगे। क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी सोच चुके हैं, हम लोग ये बहुत बार डिस्कशन में बोल चुके हैं, कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए जो मशीनरी चाहिए उसको भी एक्टिव करना चाहिए। अगर हम लोग को उस मशीनरी को हिलाना है और उसको ये जो हम लोग का ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लोग को रास्ते में आना ही पड़ेगा। इस कारण से हम लोग 4 तारीख को रास्ते में आ रहे हैं। जो भी मेरे भाई है जो बाहर के स्टेट से, बंगाल से, चेन्नई से भी है, अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग का रास्ता सही है और अगर आपका डिपोजिट नहीं मिला है तो हम लोग सबसे अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि आप लोग आए और 4 तारीख जो लड़ाई का शुरुआत का दिन है उसमें हम लोग से जुड़ जाइए। क्योंकि जब तक जितने भी डिपोजिटर का पैसा वापस नहीं मिल जाता, हम लोग का जो लड़ाई वो चलता रहेगा और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब हम लोग का साथ दें। थैंक यू।